सुरावट इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आखिरकार निर्दलीय के रूप में मैदान में उतरे इंदर सिंह बागावास ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल करवा दिया है। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आखिरकार बागावास चुनाव लड़ रहे हैं और रैली से पहले नामांकन पत्र बागावास ने यहां पर दाखिल करवाया है। अशोक पैलेस से रैली का आयोजन होना था, लेकिन सबसे पहले नामांकन पत्र दाखिल करवाया इंदर सिंह बागावास ने और उसके बाद रैली का आयोजन किया है। ऐसे में आपको बता दें कि रिटर्निंग अधिकारी को अपना नामांकन पत्र सौंपते हुए इंदर सिंह बागावास ने चुनावी मैदान में खलबली पैदा कर दी है। आपको बता दें कि भाजपा समर्पित रहकर ही चुनाव लड़ने की बात यहां पर बागावास ने कही है। टिकट ना मिलने पर भी बागावास ने बदलाव की बात कही थी, क्योंकि पहले ही भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त ब्यावर की बात कहकर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके थे इंद्र सिंह बागावास। ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्य पार्टियों को बागावास यहां पर नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन इस वक्त की चुनावी अपडेट यही है कि इंद्र सिंह बागावास अपना नामांकन पत्र दाखिल करवा चुके हैं और उसके बाद अब अशोक पैलेस से रैली का आयोजन किया जा रहा है। तो ऐसे में इंद्र सिंह बागावास निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में कूद चुके हैं और माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों मुख्य पार्टियों को प्रभावित कर सकते हैं। क्या कहा इंद्र सिंह बागावास ने, सुनते। मैंने आज ब्यावर विधानसभा के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के ऊपर नामांकन भरा है। मेरे दो मुख्य मुद्दे हैं, ब्यावर में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और अपराध लगातार बढ़ रहे हैं जिन पर कोई नियंत्रण नहीं हो रहा है। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था इसको नियंत्रण करने में फेल हो चुकी है। पिछले 15 वर्षों से ब्यावर में लगातार समस्याएँ बढ़ती जा रही है, चारों तरफ समस्याओं का बोलबाला है, भ्रष्टाचार है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं। मैंने इन्हीं दो विषयों को लेकर अपने आप को निर्दलीय प्रत्याशी में पेश किया है। सर, माना यह भी जा रहा है कि शंकर सिंह रावत को लगातार टिकट दिए जाने के चलते भी विरोध जताया गया और उसके चलते आपने ये फैसला किया। मैं किसी और के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, मैं ब्यावर की जनता के बारे में बात करना चाहता हूँ। ब्यावर की जनता बहुत दुखी है, ब्यावर की ग्रामीण जनता, ब्यावर की शहरी जनता इस वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था से बड़ी परेशान है, बहुत दुखी है और जनता बदलाव चाहती है। मैं समझता हूँ जनता ने बदलाव का मन बना लिया है, इसलिए ये बदलाव निश्चित है। क्या इसको भाजपा की बगावत भी कह सकते हो? मैं इसको भाजपा की बगावत नहीं कहूंगा, बल्कि पार्टी ने जो थोड़ी बहुत गलती की है मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ।